हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टेट मीट में। आज हम आए पुणे के बाणेर इस लोकेशन में और हम देखने जा रहे हैं 2.5 BHK का सैंपल फ्लैट। एक फ्लोर पर केवल दो फ्लैट है, एक फ्लैट है 2 BHK, सेकेंड फ्लैट है आपका 2.5 BHK। बाहर आपको एक लॉबी मिल जाती है जहां पर आप आपका शू रैक वगैरह बना सकते हैं। एंटर करते ही दोस्तों ये है आपका स्पेशियस लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है लगभग 17 फीट बाय 14 फीट का इसका साइज है। ये दोस्तों कम्प्लीटली रेडी टू मूव इन वाला प्रोजेक्ट है। आप कुछ इस तरीके से आपकी सोफा की अरेंजमेंट एक तरफ कर सकते हैं, दूसरी तरफ यहां पर आप आपका टीवी यूनिट लगा सकते हैं, उसी के बाजू में आप आपका डाइनिंग टेबल का सेटअप कर सकते हैं। लिविंग रूम के साथ दोस्तों आपको अटैच एक बालकनी देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। वुडन फिनिश की फ्लोरिंग टाइल्स लगी हुई है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके के नए नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना ना भूले। ये है आपकी फर्स्ट बेडरूम, इसे आप चिल्ड्रंस बेडरूम या फिर गेस्ट बेडरूम की तरह डिजाइन कर सकते हैं या फिर स्टडी रूम वगैरह बना सकते हैं। इसका साइज है लगभग 15 फीट बाय 8 फीट का इसका साइज है। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइडेड है। कुछ इस तरीके से आप दो बेड लगा के वार्डरोब का सेटअप कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों आपको कुछ एमिनिटीज रूफटॉप पर देखने को मिल जाती हैं। बाणेर के काफी प्राइम लोकेशन में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है तो यहाँ से आपको कनेक्टिविटी काफी अच्छी मिल जाती है। यह है आपका किचन एरिया, जिसका साइज है लगभग 10 फीट बाय 8 फीट का इसका साइज है। यहाँ पर एक तरफ आप आपका रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। एल शेप का प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है। कुछ इस तरीके से आप फर्नीचर की अरेंजमेंट कर सकते हैं। सिंक प्रोवाइडेड है। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइडेड है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है आपका कॉमन वॉश बेसिन एरिया। कुछ इस तरीके से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये लोकेटेड है बाणेर में तो बाणेर काफी प्राइम लोकेलिटी है। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी हिंजेवाड़ी के लिए, आईटी पार्क के लिए आसानी से मिल जाती है। यह है आपका सेकेंड बेडरूम, जिसका साइज है आपका लगभग 14 फीट बाय 12 फीट का इसका साइज है। तो काफ़ी बढ़िया इसका साइज भी दिया गया है, जिसमें आप आपका बेड की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। उसी के सामने आप यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल और वार्डरोब की अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छा मूविंग एरिया देखने को मिल जाता है। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए दोस्तों विंडो प्रोवाइडेड है। इसके साथ अटैच ये है एक वॉशरूम, इसमें प्रीमियम टाइलिंग्स एंड फिटिंग्स लगी हुई है। इसका साइज है लगभग 8 फीट बाय 4 फीट का इसका साइज है। आपको दोनों वॉशरूम्स में फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है, जो कि एक्रेलिक टाइप की फॉल सीलिंग है। दोस्तों इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है, जैसे आपके लिविंग रूम में हो गया, किचन में हो गया, दोनों बेडरूम्स में भी आपको मिल जाती है। यह है आपका सेकेंड वॉशरूम, कुछ इस तरीके से आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर भी टाइल कॉम्बिनेशन एंड फिटिंग्स काफी प्रीमियम दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह है आपका थर्ड बेडरूम। आप इसे आपके किड्स बेडरूम की तरह या फिर पेरेंट्स बेडरूम की तरह डिजाइन कर सकते हैं। इसका साइज है लगभग 12 फीट बाय 11 फीट इसका साइज है। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइडेड है। आपकी सारी फर्नीचर की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाती है। आप आपका वार्डरोब सेटअप यहाँ पर कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था 2.5 BHK का सैंपल फ्लैट बाणेर इस लोकेशन का, जो कि कम्प्लीटली रेडी टू मूव में है। आपको अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं या ये प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।